सुखबीर बादल ने पंजाब की कानून व्यवस्था के उत्ते सवाल खड़े किए ने। दरअसल सुखबीर बादल ने सवाल पूछा कि पंजाब च अराजकता सिखरां दे उत्ते है, कोई भी पंजाब दे विच सुरक्षित नहीं है। ये सारे इल्जाम लगाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर दे लई सरकार कुछ नहीं कर रही, कानून व्यवस्था सुधारन दे लई सीएम नू बेअसर करार दिता है सुखबीर बादल ने। हालांकि ये इल्जाम केवल अकाली दल दे नहीं, समय समय के उत्ते यही सारे इल्जाम भाजपा के वलों भी कांग्रेस के वलों भी लगाए जाते रहे हैं। तो हुण ये इल्जाम श्रोमणी अकाली दल दे मुखी सुखबीर सिंह बादल दे वलों लगाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर दे उत्ते बोले ने कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, सरकार बेअसर है। इस संबंधी उन्होंने वलों पोस्ट साझी की गई जिथे कहा गया कि पंजाब दे विच कानून व्यवस्था लगभग खत्म ही हो चुकी है, तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जंगल राज वाली हो चुकी है। तो ऐसे आम आदमी पार्टी के शासन च कोई भी सेफ नहीं है। हालांकि इस सब के बावजूद भी इसनों हल करन दे लई कुछ भी नहीं किया जा रहा, जिथे सीएम भगवंत सिंह मान इस दे लई बिल्कुल भी कारगर सिद्ध नहीं हो रहे कि इस सिचुएशन नू सांभण दे विच ओह कोई हल जुटा पाउण। पंजाब नू एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उन्होंने सुरक्षित रख सके। कानून व्यवस्था दे नाल नाल सीएम मान दे उत्ते भी निशाना साध्या गया सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों, जिथे उन्होंने कहा है कि पंजाब नू एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कि सूबे नू सुरक्षित रख सके। कानून व्यवस्था नू लैके सवाल समय समय के उत्ते उठते रहे हैं, क्योंकि पिछले समय के देखा गया कि जो गैंगस्टर गतिविधियां ने वो काफ़ी ज़्यादा तेजी के नाल पंजाब दे विच वधियां, ते इन्हां गतिविधियां दे चलते हुए ही कई लुट दे मामले सामने आए, तो कई हाई प्रोफाइल कतल किए गए, तो उस दे विच कुछ गैंगस्टरां की चर्चा भी रही। हालांकि लॉरेंस का मामला उस दे विच काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। लॉरेंस का जो इंटरव्यू मामला है वह समय समय से उठता रहा इस दे विच। इस तो इलावा हुण चोणां दे विच फिर तो जिक्र गैंगस्टरां दा सामने आ रहा है, क्योंकि डेरा बाबा नानक दे विच वी जग्गू भगवानपुरिया एक गैंगस्टर है, उस दे उत्ते इल्जाम लगाए गए कि जग्गू भगवानपुरिया दे वल्लों कहा जा रहा है वोटां पाउण नूं आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार दे हक दे विच। तां इसे तरीके दे नाल गैंगस्टरां दे लई जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था नूं लैके इल्जाम खड़े किए जा रहे हैं। तो इत्थे तुहानूं इह वी दस दईए, आम आदमी पार्टी इन्हां इल्जामां दे उत्ते उल्टा पुरानियां सरकारां नूं ही जिम्मेवार ठहराउंदी रही है, जिथे उन्हां दा कहना है कि गैंगस्टर पुरानियां सरकारां दे विच ही पनपे सी।